जय जय राधावल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री बृंदवन श्री चंद जय 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 वल्लभ गुरु हरि सु जय जय गुरु गुरु बन चंद जय जय राधा चन्द्र जय जय राधाल्लभ श्री हरिवन् सु जय जय श्री श्रीवन् चन्द्र जय जय राधाल्लभ बृन्दावनेश्वरी तवैवपदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन् रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि शीतल श्रेया परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंदस्वरूप नवनिवृत निकुंज महामहिम परम पावन वृंदावन धाम वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया जू समस्त सहचरी वृंद खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रज रानी समस्त ब्रजवासी परिकर। उपासना में धैर्य की अत्यंत आवश्यकता है कभी बाहरी परिस्थिति ऐसी होती है जो हमारी उपासना के विपरीत होती है हमको उस परिस्थिति में भी डगमगाना नहीं है भजन नहीं छोड़ना कोई भी परिस्थिति भजन छुड़ाने के लिए आती है चाहे भारी से भारी अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल अनुकूल में राजी हो करके भगवान का विस्मरण कर देता है प्रतिकूल में इतना अंदर से जलन होती है कि वो भगवत विस्मरण कर देता है तो बाहरी परिस्थिति रचना रची जाती है भगवत विस्मरण कराने के लिए इसलिए उपासक बाहरी परिस्थिति में बहुत धैर्य धारण करे अब अंदर की परिस्थिति में देखते हैं तो मन और इंद्रियां मिलकर के विकारों से ऐसी स्थिति जागृत करती हैं जिससे हमारा भजन भूल जाए प्रिया प्रीतम की सेवा सुमिरन नाम वाणी इनसे हम बिलग हो जाए उस समय भी हमको धैर्य धारण करना है अंदर की स्थिति में भी हमें नाम सुमिरन छोड़ना नहीं है जब अंदर और बाहर की स्थिति और परिस्थितियों के बदलाव में किंचन मात्र भी भजन नहीं रुकता तब जाकर के अहमता ममता की ग्रंथि का भेदन होता है ये जो एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई इसका छेदन करना पड़ेगा अहमता ममता का पूरा का पूरा क्षेत्र उठाकर जो जननी जनक बंधु सुत दारा तनुधन धाम सुरद परिवारा यहां से हटाकर प्रिया प्रीतम में लगाना होगा यही कठिन है और भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है श्रीपाद कह रहे हैं छिवातरे हम ममाकार गाढ़ ग्रंथि निमिल्याक्षति संभ्रमेण विश्यु श्रुति मौलि गूढ़ा वृंदाटवी विचारणात्र ए अबुद्ध बुद्धिहीन ये जो अपनी अहमता और ममता शरीर और शरीर संबंधियों में लगाए हो यही तुम्हारी दुर्गति का तुम्हारी अशांति का तुम्हारे दुख का कारण है ये अहम मम रूपी दृढ़ ग्रंथि का छेदन करने के लिए ही ये मनुष्य शरीर में विवेक मिला है पशु पक्षी अहमता ममता का त्याग नहीं कर सकते क्योंकि उनमें विवेक नहीं है मनुष्य शरीर में विवेक है ए अबुध क्यों मूर्खता करके अहमता ममता शरीर और शरीर संबंधियों में दृढ़ करके नए जन्म का हेतु बन रहे हो आवागमन चक्र को पुष्ट कर रहे हो चित्वान्तरे हम ममकार ये मेरा है ये मैं हूं मैंने ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा यही अहमता ममता तुम्हारे जन्म मरण को पुष्ट करती है अगर मुक्त होना चाहते हो जन्म मरण चक्र से तो इस अहमता ममता को प्रभु के चरणों में समर्पित करो कह रहे कि जैसे कोई भ्रमित होकर नेत्र बंद करके दौड़े तो गिरेगा ही जब भगवान ने नेत्र दिए तो खोल कर देख के चलो ना ऐसे ही तुम्हें भगवान ने बुद्धि दी तो विचार करो ना कई जन्मों के माता पिता परिवार आज तुमको याद नहीं है ऐसे ही आज शरीर छूटेगा तो तुमको इस जन्म के भी याद नहीं रहेंगे इसलिए अपने कर्तव्य का पालन तो करो पर ममता मत करो अहंकार मत करो हमता ममता ही आवागमन को पुष्ट करती है इसलिए छित्वा इसका छेदन कर दो अहमता ममता को श्रीजी के चरणों में समर्पित कर दो ये वेदों से भी गोपनीय मौली गुढ़ा वृंदाटवी मास्त विचारणात्र वृंदावन का आश्रय ले लो वृंदावन का वास स्वीकार करो वृंदावन के अधीश्वर श्यामा श्याम की उपासना करो इसमें विचार के लिए गुंजाइश नहीं है कि देखो आगे विचार करेंगे आगे पता नहीं जियोगे कि नहीं जियोगे आज से अभी इसी क्षण श्यामा श्याम का नाम जप करो और धाम के आश्रित हो जाओ किमरे महानंदर शाब्धेला हित्वी सिंध्आ बुधाप तद्वे विहाय वृंदावन मत साध्यम तत्साधनेताभि ए मूढ़ तू सावधान हो जा ये महानंद प्रदान करने वाला वृंदावन धाम है अगर इसका आश्रय नहीं लिया इसमें कभी आकर वास नहीं किया तो अंतकरण ऐसा पवित्र ही नहीं होगा कि तुम तत्व बोध कर लो या भगवत प्रेम प्राप्त कर लो इस महाप्रेमानंद में वृंदावन धाम की क्रीडा का त्याग करके क्षुद्र गड्ढों में गिरे तो साधन है क्षुद्र गड्ढे और आश्रय है समुद्र नाम का आश्रय धाम का आश्रय प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय उनका लीला गायन लीला श्रवण निरंतर उन्हीं में चित्त जोड़ना यह है समुद्रवत छोटे छोटे संकल्प सकामता साधना कह छोटे छोटे गड्ढे हैं ये सूख जाएंगे नष्ट हो जाएंगे लेकिन समुद्र अगाध आबाद है इसलिए इस प्रेमानंद स्वरूप समुद्र स्वरूप वृंदावन का आश्रय लो बहत प्रेम सागर जहां ये प्रेम समुद्र वृंदावन है ये अपनी कृपा से जीव को महा आनंद रस में डुबो देता है किमरे महा आनंद रसाब्दी खेल यहां खेल हो रहा है प्रिया प्रीतम का बड़ा रस में इस रस में खेल में आनंदित होकर युगल सरकार जब देखते हैं तो जो धामवासी हैं जो ब्रजवासी हैं अपार कृपा करते हैं प्रभु और कैसे भी वो हो ये नहीं देखते हमारे प्रभु का एक स्वभाव है जो उनकी शरण में हो गया वो लाख शिकायत भी करे तो नहीं सुनते करे ये बहुत खराब है ये दोषी है ये नीच है ये ऐसा प्रभु सुनते ही नहीं और जो शिकायत करता है उसी को दंड दे देते हैं कि आप भक्त द्रोह करते हो भक्त निंदा करते हो भक्त दोष दर्शन करते हो उसी को क्योंकि उसका अपराध है जब भगवान की शरण में जीव हो गया तो उस जीव के अवगुण भगवान नहीं देखते जन अवगुण प्रभुमान नकाऊ दीन बंधु अति मृदुल शुभाऊ अति मृदुल स्वभाव होने के कारण हमारे प्रभु अपने जन के अवगुण अगर वो अवगुण देखते तो आज तक उद्धार नहीं होता किसी का भी क्योंकि कोई शरीरधारी ऐसा नहीं है जिससे दोष न बनता हो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष क्योंकि ये मायाकृत शरीर है सतोगुण रजोगुण तमोगुण से तो कभी न कभी गुणावेश में कभी न कभी ऐसी स्थिति जिससे हमसे दोष बन जाए और हमारे स्वामी यदि दोष देखते होते तो हमारा कभी कल्याण न होता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो पैहरी जन के अवगुण गहते तो सुरपति कुरुराज बालिस बैर बिसहते जो पैहरी जन के अवगुण गहते यदि कोई भगवान की शरण में हो जाए तो भगवान उसके दोष ही नहीं देखते पूर्व पाप तो नष्ट ही हो जाते हैं शरणागत के पर वर्तमान में यदि कोई उससे दोष बन जाए तो भगवान की शरणागति के प्रभाव से वह दोष उसे नष्ट नहीं कर सकता और भगवान मानते ही नहीं कि इससे दोष बना है इतना दुलार करते हैं दासों के दोषों पर भगवान कभी ध्यान नहीं देते यदि भगवान दासों के दोष मान लेते तो कभी दासों का कल्याण ही नहीं होता इंद्र दुर्योधन और बाल से हट करके शत्रुता मोल ली भगवान ने अपने दासों के लिए ब्रजवासियों के लिए ललकार दिया इंद्र को कि तुम्हारी जितनी सामर्थ्य करो प्रलयंकारी वर्षा की क्या बिगाड़ लिया गिरिराज गोवर्धन को धारण करके अपने समस्त ब्रजवासियों को सुरक्षित कर लिया एक बछड़ा भी नहीं हुई पधारा पशु पक्षी भी नहीं पधारे सब की रक्षा कर ली भगवान ने ऊपर सुदर्शन चक्र चल रहा है जो प्रणयकारी जल को सोच रहा है नीचे भगवान शेष जी की मेड़ लगी हुई है और गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया तलहटी में सब ब्रजवासी पशु पक्षियों सहित सुरक्षित हैं कौन सी कसर रखी दुर्योधन ने पांडवों के नष्ट करने की लेकिन भगवान ने पक्ष लिया पांडवों का और विनाश हो गया दुर्योधन का क्या कोई ऐसे महान सदगुण थे सुग्रीव जी में जो बाली में केवल दुर्गुण ही दुर्गुण थे नहीं जो बाली के आचरण थे वही सुग्रीव के आचरण थे जो बाली जी के आचरण थे वही सुग्रीव जी के थे जय अग बधे व्याध जिम बाली ठ पुन कीन कुचाली पर भगवान ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि सुग्रीव जी दोषी है सोई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते यदि भगवान अपने जन के अवगुण देखते तो कभी उद्धार ना होता चाहे जैसा जन हो शरणागत हो गया तो शरणागत का निर्वाह करना केवल प्रभु जानते हैं जो जप जाग जोग व्रत बर केवल प्रेम न चहते तौ तो कत सुर मुनि बर बिहाय ब्रज गोप गेह बस रहते जो हरि जन के औगुण गहते यदि भगवान ऐसे करुणा में न होते तो जप बड़े बड़े यज्ञ योग व्रत इनसे भगवान नहीं रिझे केवल प्रेम से भगवान रिझे बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता इन सबका त्याग करके ब्रज गोपों के घर में प्रभु प्रकट हुए किस लिए प्रेम कारण के बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्म व्रत धारण करने वाले बड़े कठोर तपस्वी भगवान इनके समीप ने गए माता सबरी के पास गए और उनके अर्पित किए हुए बेर पाए बेर कोई अंगूर थोड़ी है क्यों प्रेम अगर भगवान जप जाग जोग व्रत वर्जित केवल प्रेम न चाहते अगर केवल प्रेम न देखते तो कौन सा जप जोग तपस्या ब्रज गोपोण की एक से एक सिद्ध महापुरुष दंड का में थे तपस्वी ज्ञानी बैरागी जपी जोगी भगवान किसी के यहां नहीं गए शबरी माता के यहां प्रेम गोपियों का प्रेम गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान केवल प्रेम देखते हैं कौन है कैसा है कहां का है ये नहीं देखते हैं सेवक जी महाराज ने कहा जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु नासी ये सब अविद्या है जाति पात कुल कर्म ये सब अविद्या है भगवान ये नहीं देखते भगवान प्रेम देखते हैं जो जहां प्रण प्रणराखी भगत को भजन प्रभाव न कहते तो कलि कठिन करम मारग जड़ हम के ही भाति नि बहते जो पै हरी जन के अवगुण गहते जहां कहीं भी देखा गया है भगवान अपने भक्त की जय जयकार करवाई है अपने शरणागत के प्रण की रक्षा करके यहां तक कि अपने भी प्रण को तोड़ दिया है अगर प्रभु ऐसे कृपालु न होते तो हम सरीखे अधम मूर्ख भगवत विमुख आचरण करने वालों की कैसे सदगति हो जाती पक्का अगर भगवान का ऐसा कृपालु स्वभाव ना होता तो अपने जैसे अपवित्र आचरण करने वाले अपने जैसे मूढ़मती अधम जनों का कैसे कल्याण हो जाता कलयुग का बड़ा कुप्रभाव भी है झूठ बोलना छल कपट करना अश्लील भाषण गाली देना मारपीट करना नाना प्रकार के कलह खड़े कर देना यह कलयुग का स्वभाव है इसका प्रभाव है अगर प्रभु हमारे दोष देखते तो हमारी दुर्गति पक्की है वो दोष नहीं देखे यही उनकी कृपालुता यही उनका करुणामय स्वभाव है हे संकटहारी प्रभु जो सुत हित लिए नाम अजामिल के अघ अमित न दहते तो जम भट्ट सासती हर हम से वृषभ खोजी खोजी नहते हे हरी जो पे जन के अवगुण गहते अगर आप नाम की ऐसी महिमा प्रकाशित न करते तो हम लोगों की दुर्गति पक्की हो जाती अजामिल ने बेटे के निमित्त से नाम लिया आपने परम पद दिया तो विश्वास हो गया कि भाव कुभाव अनखाल सहू नाम जपत मंगल दिशिध सहू हम भाव से जपे कुभाव से जपे श्रद्धा से जपे अश्रद्धा से जपे हमारा मंगल हो ही जाएगा कि बेटे के लिए नारायण पुकारा तो परम पद मिल गया यदि अजामिल का उद्धार ना हुआ होता तो हम लोगों को तो बैल के सरीखे दुर्गति प्राप्त होती खाना न पीना ज्योतते रहो यमदूत खूब धर के पिटाई करते ऐसे ऐसे हमारे आचरण हुए हैं पर नाम का भरोसा हो गया कि पूरा जीवन गंदा आचरण करने वाला बेटे का नाम नारायण ऐसा पुकारा तो उसे परम पद मिल गया सारे पाप भस्म हो गए तो हरि हमको भी विश्वास है कि हम चाहे जिस भाव से नाम जप करें आप हमारा मंगल कर देंगे जो जग विदित पतित पावन अति बाकुर न बहते, तो बहु कलप कुटिल तुलसी से सपने हूँ सुगति न लहते जो पैहरी जन के अवगुण गहते यदि आप जगत प्रसिद्ध बाना है आपका पतित पावन ये नाम ना होता ये स्वभाव ना होता आपका तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम शरी दुष्टों का कैसा हृदय है महापुरुष का कह रहे यदि आपका पतित पावन स्वभाव ना होता आपका पतित पावन बाना ना होता तो हम जैसे दुष्ट स्वभाव वालों का अनेकों कल्पों तक स्वप्न में भी कभी कल्याण नहीं होता मंगल नहीं होता आपका स्वभाव आपका बाना पतित पावन बाना और स्वभाव कैसा भी जीव क्यों न हो शरण में आ जाए उसका परम मंगल कर देना इसी स्वभाव इसी प्रभाव से हम लोगों का भी कल्याण हो रहा है हरि अपने जन के कभी अवगुण ग्रहण नहीं करते बस हृदय से शरणागत हो जाए तो हरि सब कुछ संभाल लेते हैं श्रीपाद प्रभुधानंद जी कहते हैं हंत स्वार्थे सुखिद्यंते महा तो यदम समस्ताथम वृंदारण्यम न पश्यत यदि आप महापुरुषों का संग करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि असली स्वार्थ हमारा किसमें है अभी असली स्वार्थ समझ में नहीं आ रहा असली स्वार्थ लग रहा है अच्छा खाने को मिले अच्छा पहनने को मिले जो मन में आवे सो भोगने को मिले और कोई हमें छेड़े ना हर समय हम सोते रहे जब जैसे मन आवे ऐसा लगता है सबसे बड़ा सुख यही है खूब बढ़िया खाने को मिले पहनने को मिले सोने को मिले मनमानी करने को मिले नहीं नहीं ये स्वार्थ नहीं है ये तो बहुत अनर्थ है जो जीवन को व्यर्थ में नष्ट कर रहा है बोले महापुरुषों से जब मिलोगे तो स्वार्थ का पता चलेगा क्या स्वार्थ है हर समय प्रभु का नाम जब करते हुए प्रभु के चरणारविंद में अपने चित्त को जोड़ते हुए उनकी लीला कथा सुनते हुए उनकी लीला कथा गान करते हुए उन्हीं के लिए सारे कर्तव्य कर्म करते हुए हमारा एक एक दिन रात व्यतीत तो हो यही पक्का स्वार्थ है यही परम स्वार्थ है नहीं तो सब व्यर्थ जीवन जा रहा है बोले महापुरुषों के संग से अपने स्वार्थ के विषय में विचार करो लोक परलोक जिससे दोनों बन जाए वो विषय केवल भगवान ही है जितना भगवान का स्मरण करोगे लोक परलोक सब बन जाएंगे स्वच्छंद रूप से जहां तुम्हारे स्वार्थ की बिना प्रयास के पूर्ति हो जाए ऐसा स्थान भूमंडल में एकमात्र वृंदावन धाम है यदि महापुरुषों का संग करते हुए वृंदावन का आवास स्वीकार करो आश्रय स्वीकार करो तो तुम्हारा स्वार्थ बन जाएगा स्वार्थ कहते हैं परमार्थ को असली स्वार्थ असली स्वार्थ है हमारा कि हमारा मंगल हो जाए हमारा कल्याण हो जाए हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए प्रभु का प्रेम प्राप्त हो जाए तो बोले भूमंडल पर प्रकाशित श्रीधाम वृंदावन वृंदावन आ जाओ वृंदावन का आश्रय ले लो वृंदावन एक दो दिन ही रह जाओ तो देखो आपके जीवन का परिवर्तन शुरू हो जाएगा पर कैसे रहे तो ध्रुवदास जी महाराज कह रहे कह रहे वृंदावन बस के इतनो बड़ो शयान जुगल चरण के भजन बिन निमिष नदी जय जान निमिष कहते पलक झपकने को वृंदावन यदि तुम्हें वास मिला दो दिन चार दिन दस दिन खूब भजन इकट्ठा करो जैसे कंजूस आदमी खर्चा ना करते हुए खूब रुपया कमाए ओवर टाइम भी काम करके ऐसे यहां कम खाओ कम सो अधिक से अधिक नाम जप करो देखो ये नाम की कमाई तुम्हें लोग पर लोग सब जगह बढ़ा देगी जिसे नाम से प्रेम नहीं है ना बड़ा जीवन व्यर्थ जीवन है बड़ा जीवन व्यर्थ है चाहे जिस पद में हो बड़ा जीवन व्यर्थ है सच्ची मानिए आपको दिखाई देता है कि वो गाड़ी पे गाड़ी और बहुत लोग उनकी रक्षा में बहुत व्यवस्था लेकिन हृदय में जो बात है वो बड़ी अशांति वाली है हृदय की सुविधा हृदय का सुख हृदय की शांति भगवान के नाम में है चरणों में है जो उनसे विमुखत चाहे जितने बड़े पद में हो बड़ी ही दयनीय स्थिति है दयनीय स्थिति है रावण से हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज कह रहे हैं शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकिन राख राम कर द्रोही हाथ जोड़कर विनती करता हूं रावण भगवान का विरोध करने वाला भगवान से विमुख चाहे कोई हो शास्त्रो शास्त्रों भगवान शिव कृपा करे तो भी वो चैन से नहीं रह सकता इसलिए भगवान से विमुख जीव को कहीं भी किसी भी लोक में शांति नहीं मिल सकती फिर ये तो मृत्यु लोक है अगर आपको वृंदावन धाम का आश्रय मिला वास्तव मिला सत्संग मिला तो आप जहां भी हो खूब भजन करो भजन करना ही जीवन का सार है नाम जप ही जीवन का सार है भजन का सही स्वरूप नाम जप अगर नाम जप एक कल प्रश्नकर्ता ने कहा कि हमारी छवि पूजन में आस्था नहीं है लेकिन आपकी आज्ञा से नाम जप में राधा नाम में बड़ी प्रीति है बढ़िया है कोई बात नहीं कोई बात नहीं पर इतनी बात तो मान लो कि सबके शरीरों में वही सच्चिदानंद है बिजली पावर जो चैतन्यता है वही सच्चिदानंद है ये बात मानन हाँ तो बस फिर सबके शरीरों में विराजमान भगवान की आराधना करो ये भी तो चित्रपट ही है ये भी भगवान के ही चित्रपट है अगर इनमें भावना कर लो और मत करो चित्रपट की छवि की सेवा तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी हो जाएगी क्योंकि चलते फिरते सब में भगवान ही विराजमान है पलक झपकने के समय को भी वृंदावनवासी व्यर्थ ना जाने दे। निरंतर श्यामा श्याम का सुमिरन करे बसिके वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दी जय जान पलक झपकने के समय में भी हम श्यामा श्याम का विस्मरण न करें प्रेम सिंधु वृंदा विपिन जाको अंत न आदि जहा कलोलत रहत नित। युगल किशोर अनादि प्रिया प्रीतम का ये निज धाम वृंदावन है यहां निरंतर प्रिया प्रीतम परायण है जहां कलोलत जुगल किशोर अनादि अनादि शब्द ये अवतार लीला से अलग है अनंत काल तक अनादि काल से इनकी लीला चल रही वृंदावन वृंदावन अनादि और प्रिया प्रीतम अनादि यही से अवतार होते हैं जब प्रभु अवतार लेते हैं तो प्रभु का पूरा परिकर अवतार लेता है तो जब अवतार लेते हैं तो निकुंज में ताला थोड़ी लग जाता है वो तो अनादि वृंदावन का अनादि बिहार है इसलिए ये वृंदावन पे आप विराजमान है यही चिदानंद अनादि वृंदावन विराजमान है यही चिदानंद अनादि प्रिया प्रीतम नित्य के लिए करते रहते हैं जहां कलोलत रह युगल किशोर अनादि जाको अंत ना आदि कब प्रारंभ हुआ कब संपन्न हो जाएगा ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में है दिव्य वृंदावन में नहीं है न्यारो चौदहा ते वृंदावन निज भौन तहान कब हूं लगत है महाप्रलय की पौन जो ब्रह्मा जी ने चौदह भुवन की रचना की है उससे अलग है ये वृंदावन वृंदावन कभी प्रलय की वायु भी यहां प्रवेश नहीं करती प्रलय होने की तो बात जाने दो महिमा वृंदा विपिन की कही न सकत मम जी ही। जाके द्वे सहस तीनहूं काढ़ी ली जिनके दो हजार जीव भ्याये हैं भगवान शेष जी वे भी हार मान गए और वृंदावन का वृंदावन की महिमा का वृंदावन की प्रिया प्रीतम की लीला का संपूर्ण गायन वो भी नहीं कर सके अपने तो एक ही जीव है वो दो हजार जिभ्या से निरंतर लीला का गायन करते हैं और फिर कौन वृंदावन की महिमा का वर्णन कर सकता है जब भगवान शेष जी भी हार मान गए एति मतमोपय कहा शोभा निधि राज जीठो के कछु कहत हो आवत नहीं जीलाज जब भगवान शेष जी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते तो ध्रुवदास जी कह रहे हम क्या वर्णन कर सकते हैं पर मुझमें ये जो कुछ वर्णन करने की दृष्टता है साहस है ये श्री जी की कृपा से है श्रीजी ने जितना वृंदावन हमें जनाया उतना ही हमने वर्णन किया मति प्रमाण चाहत कहो शोव कहत लजात सिंधु अगम जी ही पार नहीं कैसे सीप समात श्रीजी ने जितना हमारी बुद्धि को प्रेरित किया उसके अनुसार हम वृंदावन की महिमा का वर्णन किए पर पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता जैसे हमारी बुद्धि है सीपी और वृंदावन है समुद्र तो क्या सीपी में समुद्र समा सकता है क्या अगम्य अगाध अपार महामहिम वृंदावन और कहा मेरी थोड़ी बुद्धि पर जो वर्णन किया है वो श्रीजी की प्रेरणा से किया है यदि इसमें मन लगा सको इसी महिमा में तो अनंत वृंदावन की महिमा को आप जान जाओगे कह रही सकते। नहीं सकते वाणी में सामर्थ्य नहीं अनुभव में आ जाएगी वृंदावन या मन के अवलंब हित उपाय वृंदावन रस कहन में मत मतिकू उए ये जो वर्णन किया है कि मन और बुद्धि इसी वृंदावन की महिमा में सदैव लगे रहें बका पूर्ण महिमा नहीं है पूर्ण महिमा तो अनुभव में आएगी वाणी की, की सामर्थ्य नहीं कि कहा जा सके इसलिए वृंदावन धाम उदार करुणा वरुणालय है हमें इसका आश्रय और वास मिला है अब हमारा जीवन व्यर्थ ना जाने पावे अब हम इसी जन्म में प्रियालाल को प्राप्त हो चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी इसमें शिक्षा मिली कि भजन कैसे भी किया जाए मंगल ही होता है गृहस्थ धर्म में विरक्ति का भाव आ गया महाराज इंद्रद्युम्न को और उन्होंने अपने आप जटा बढ़ा ली मौन धारण कर विरक्त भेष जैसा और मलय पर्वत पर तपस्या करने लगे सिद्धांत से गलत है सिद्धांत में पहले किसी आचार्य ऋषि मुनि का आश्रय ले फिर उनके आदेशानुसार गृहस्थ धर्म का परिवर्तन करे इसी सिद्धांत की त्रुटि के कारण साप दे दिया अगस्त जी ने जाओ हाथी की योनि को प्राप्त हो पर भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता नाम जब कभी व्यर्थ नहीं जाता इसके प्रभाव से गजेंद्र को अंतिम समय भगवान की स्मृति हुई जब समझ लिया कि अब बस मरने ही वाला हूं उसी समय भगवान आए और ग्राह को भी और गजेंद्र को भी दोनों का उद्धार किया भगवान के सामने ही ग्राह शरीर त्याग कर तेजोमय गंधर्व स्वरूप को प्राप्त होकर अंतर ध्यान हुआ क्योंकि देवल ऋषि के साथ से गंधर्व ही ये ग्राह बना हुआ था और गजेंद्र ने भी शरीर त्याग किया और चतुर्भुज नारायण रूप पार्षद रूप धारण करके भगवान के वैकुंठ धाम को गया श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित ये गजेंद्र मोक्ष की जो लीला सुनते हैं उनके संकटों का नाश हो जाता है उनके पापों का नाश हो जाता है सो मैंने तुम्हें सुनाया अब आगे के रैवत मनवंतर की कथा सुनो पांचवें मनु का नाम था रैवत पीछे जो आपने मनु तामस की बात सुनी उनके सगे भाई थे इनके अर्जुन बलि विंध्य आदि कई पुत्र थे उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभू और भूतरे आदि देवताओं के प्रधान गण थे हिरण्य रोमा वेदशीरा ऊर्ध ऋषि थे उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा उन्हीं के गर्व से भगवान ने अवतार धारण किया वैकुंठनाथ के रूप में भगवान स्वयं वैकुंठनाथ के रूप में हरि अवतरित हुए जब लक्ष्मी देवी ने प्रार्थना की तो भगवान ने लक्ष्मी देवी के रहने के लिए श्री वैकुंठ धाम की रचना की यह वैकुंठ धाम सर्वश्रेष्ठ है उन वैकुंठनाथ के कल्याण में गुण और प्रभाव का तीसरे स्कंद में वर्णन किया है जब जय विजय को शनकाद ने श्राप दिया था भगवान के वैकुंठनाथ के गुणों का वर्णन करने में तो वो भी समर्थ नहीं है जो पृथ्वी के एक एक कण को गिन ले वो गिन सकता हो कोई ऐसा कि धूल के एक एक कण को गिन ले, लेकिन वो भगवान की महिमा का पार नहीं पा सकता ऐसे भगवान बैकुंठ नाथ है छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे उनके पूर्व पुरु, पुरुष शुद्ध आदि कई पुत्र थे और इंद्र का नाम था मंत्र द्रुम और प्रधान देवगण थे आप्यादि आप उस मनवंतर में हविष्यमान और वीरक आदि ऋषि थे जगतपति भगवान ने उस समय वैराज की पत्नी संभूति के गर्व से अजित नाम का अवतार धारण किया भगवान अजित और समुद्र मंथन कराकर देवताओं को अमृत पिलाया कछपा अवतार धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने राजा परीक्षित ने पूछा भगवान समुद्र मंथन करना है तो बहुत कठिन बात है समुद्र का मंथन हो जाना कोई सरोवर हो कोई झील हो कोई नदी हो तो अगाध समुद्र का मंथन तो ये क्षीर सागर का मंथन कैसे किया और भगवान ने कच्छप रूप किस कारण से धारण किया देवताओं को कैसे अमृत पीने को मिला और समुद्र से कौन कौन सी वस्तुएं निकली इसमें भगवान की बड़ी रहस्यमयी ली लीलाएं हैं आप कृपा करके सुनाइए हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है आप ज्यो ज्यो भगवान की महिमा सुनाते जा रहे हैं त्यों त्यों हमारा मृत्यु का भय हटता जा रहा है और मेरे काम तो अघाने का नाम ही नहीं ले रहे क्यों कि बहुत दिनों से संसार की ज्वाला से तपा हुआ हमारा हृदय आज आनंदित हो रहा है श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित ये उस समय की बात है जब असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया युद्ध में बहुत से देवता मारे गए बहुत से घायल हो गए रणभूमि में गिरे तीनों लोग भयभीत हो गए देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए यज्ञ आगा धर्म कर्मों का लोप हो गया चार ओर दुर्दशा ही दुर्दशा दैत्यों का बोलबाला वरुण देवता इंद्र देवता इन सब की दुर्दशा क्योंकि बड़े बड़े दैत्यों बलवान दैत्यों ने सब परास्त कर दिया अब उस बड़े बड़े देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए कहा महाराज आपने हमें लोकपाल बनाया है आपने हमें त्रिभुवनपति बनाया दैत्यों ने अपने बल से सब छीन लिया और सारी व्यवस्था भंग हो गई है ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्र वायु अग्नि ये सब देवता तेजहीन हो रहे हैं शक्तिहीन हो रहे हैं और संसार में बड़ी भयंकर स्थिति आ गई क्योंकि राक्षसों का बोलबाला और असुर इसके विपरीत खूब फल फूल रहे ब्रह्मा जी ने तत्काल मन एकाग्र किया और भगवान का स्मरण किया समाधि में पहुंच गए थोड़ी देर बाद समाधि से बाहर हुए और मुस्कुराते हुए बोले देवताओं मैं अर्थात ब्रह्मा भगवान शंकर तुम लोग असुर दैत्य मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष स्वेद समस्त प्राणी भगवान के एक अंश से रचे गए हैं हम उन्हीं भगवान की शरण में हैं। यद्यपि भगवान की दृष्टि में न कोई मित्र है न कोई शत्रु है न कोई दया का पात्र है न कोई वध का पात्र है न कोई उपेक्षा का पात्र है न कोई आदर का पात्र है क्योंकि सृष्टि सतोगुण रजोगुण तमोगुण उन्होंने ही रची है पर जब कोई उनकी शरण में होकर उनको पुकारता है तब तो उसका पक्षपात ले लेते हैं भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते पर जब कोई शरण में होकर उनको पुकारता है तो भगवान उसका पक्षपात ले लेते हैं इसलिए जगत गुरु परमात्मा भगवान श्रीहरि की शरण ग्रहण करो वही हमें उपाय बताएंगे कि दैत्यों से कैसे जीतेंगे भगवान ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के धाम वैकुंठ लोक में गए वहां जाने पर कुछ नहीं दिखाई दिया वैकुंठ में जाने पर कुछ नहीं दिखाई दिया किसी भी देवता को तब ब्रह्मा जी ने स्तुति की बैकुंठ में पहुंचने पर भी कुछ नहीं दिखाई दिया जैसे वृंदावन बनाने पर भी आप क्या देख पा रहे हैं यहां दिव्य लीला हो रही ब्रह्मा जी ने स्तुति की अविक्रियम सत्यम अनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कल मप्रतर्कम मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमा महे देववरम वरेण्यम हे निर्विकार परमात्मा हे सत्य भगवान हे अनंत भगवान हे आदि पुरुष हे सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान अखंड अतर्क आपको नमस्कार है मन जहां जहां जाता है ये साधक के लिए बहुत बढ़िया बात है पकड़ ले मन जहां जहां जाता है उसी उसी रूप में वहां आप पहले से ही विद्यमान है इसलिए जहां जहां मन जाए वहीं भगवत भाव करके प्रणाम करो मन एकाग्र होने लगेगा देख लेना आप किसी से भी द्वेष हो मन जल रहा हो उसको बार बार प्रणाम करो मन शांत हो जाएगा दोष दर्शन मत करना आंतरिक किसी से भी द्वेष घृणा हो रही हो हृदय जल रहा हो तो उसको प्रणाम करो हे प्रभु आप ही हो मैं जान नहीं पा रहा नाथ आपको प्रणाम है। आपका द्वेष खत्म हो जाएगा जहां जहां मन जा रहा है वहीं वहीं भगवान की भावना से प्रणाम करो मन एकाग्र हो जाएगा देख लो करके देख लेना मन जहां जहां जाता है वहां वहां आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं प्रभु वाणी आपका वर्णन नहीं कर सकती आप सबके आराधनी स्वयं प्रकाश है हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं आप ही प्राण है आप ही मन है आप ही बुद्धि है और आप अहंकार के ज्ञाता हैं इंद्रिया और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं पर जो आपसे विमुख है तो यही प्राण यही मन यही बुद्धि यही अहंकार यही इंद्रिया यही विषय उसे फंसा कर दुर्गति करते हैं अज्ञान छा जाता है जो आपसे विमुख है और जो आपके सन्मुख है उनमें ज्ञान प्रकाशित हो जाता है तो यही प्राण यही मन यही बुद्धि यही अहंकार यही इंद्रिया यही विषय भगवत प्राप्ति का हेतु तो हो जाते हैं समझो भगवान के सन्मुख होना भगवान का नाम जप करना भगवान की शरण में होना सब मंगल हो जाता है प्रकृति के विकार मरने जीने वाले शरीर से अज्ञान के कारण ममता होती इस शरीर से और इस शरीर से जिसकी ममता है वो भगवत भाव से रहित होता है उसमें भगवत भाव नहीं होता शरीर की ममता वाले में देह भाव वाले में भगवत भाव नहीं होता और भगवत भाव वाले में देह भाव नहीं रहता जीव के दोनों पक्ष अविद्या और विद्या ये आप में नहीं है आप विद्या और अविद्या दोनों से परे हैं। आप अविनाशी सुख स्वरूप हैं प्रभु हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं ये जीव माया से मोहित होकर अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक गया है सब भटके हुए कोई बिरला ऐसा है जो भगवान में चित्त जोड़े नहीं तो भगवान से चित्त हटकर संसार में ही लगा है। संसार में चित्त लगने का मतलब है भटकना ऋषिगण बड़े बड़े देवता बड़े बड़े सत्गुण संपन्न भीतर सब जगह खोजते रहते हैं आपको पर आपकी कृपा के बिलाव आपको नहीं प्राप्त कर सकते जैसे हम बैकुंठ में आ गए पर बैकुंठ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपकी कृपा से ही देखा जा सकता पक्का यही प्रिया प्रीतम खेलने यही है पर देखो कहा दिखाई दे रहे बैकुंठ पहुंच गए वैकुंठ में पहुंच गए ब्रह्मा जी पर वहां कुछ नहीं दिखाई दिया भगवान की स्तुति की भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की कहा प्रभु बक्षा स्थल से लक्ष्मी जी प्रकट हुई है आपकी छाया से पितृगण प्रकट हुए हैं और छाती से धर्म प्रकट हुआ है और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है सिर से आकाश प्रकट हुआ है बिहार से अपसराए प्रकट हुई है हे परमेश्वरशाली भगवान आप हम पर प्रसन्न हो जिनके अधर से लोभ ऊपरी ओठ से प्रीति नासिका से कांति स्पर्श से समस्त पशुओं की भावों से यमराज की नेत्र के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई ऐसे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो प्रभु आप योग माया के पति हैं संपूर्ण ये अनंत ब्रह्मांड उसी माया के द्वारा प्रकट हुए है हम शरणागत हैं हम चाहते हैं कि आप हमें दिखाई दें आप कृपा करो मैं अपने इन्हीं नेत्रों से आपके धाम को देखना चाहता हूं दर्शन कराइए प्रभु ये आवरण हटा दीजिए देहाभिमानी दुख भोगने वाले जीव चाहे जितना परिश्रम और क्लेश करे पर आपसे विमुख होकर कभी वो सुखी नहीं हो सकते विफलता हाथ लगती है परंतु जो विवेकी जन है वो आपका भजन करते हुए अपने सारे कर्म आपको समर्पित कर देते हैं तो उनको परिणाम सुख मिलता है और भगवान की प्राप्ति होती है भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्म भी महान फल देने वाला होता है इसीलिए कहते कर्म समर्पण करो प्रभु आपकी आराधना विश्व की आराधना है जैसे बड़े वृक्ष की जड़ में पानी चढ़ा दे तो छोटी छोटी डालियां और फूल पत्तों को सींचना नहीं पड़ता ऐसे आपकी आराधना आपकी उपासना पूरे विश्व की उपासना पूरे विश्व की इसीलिए प्रिया प्रीतम की उपासना करने वाले कोई कले उपासक जो भगवान शंकर और पंच देवताओं की आराधना अभी तक करते थे सत्संग सुना तो प्रिया प्रीतम की उपासना करने लगे तो वो कल बहुत संकट में थे कि हम डर रहे कि कहीं गणेश जी नाराज ना हो जाए कहीं भगवान शंकर ना हो जाए क्योंकि पहले उनकी आराधना करते थे अब प्रीतम की आराधना करते तो इस बात से समझ लो कि पहली बात तो भगवान शंकर की कृपा से ही ये आपको सुनने को मिला जा पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगत हमारी और दूसरी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र की आराधना से पूरे विश्व की आराधना हो जाती है जैसे मूल में जल चढ़ा दो तो सर्वत्र पहुंच जाता है ऐसे गीता जी के पंद्रह अध्याय में लिखा उर्ध मूल मधा शाखा भगवान सबके मूल हैं देखो देखो कैसी सुंदर बात कही जे ही ब्रह्मा जी ने स्तुति की कि हे नाथ हम आपके धाम के और आपके दर्शन करना चाहते हैं तो जे स्तुति पूर्ण हुई तो मानो करोड़ करोड़ सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हो ऐसा तेज सब चौंधिया गए ब्रह्मा जी बड़े बड़े देवता सबकी आंखें चौंधिया गई आकाश दिशा पृथ्वी शरीर कुछ नहीं दिखाई दिया केवल भगवान शंकर और कुछ कुछ ब्रह्मा जी इनके नेत्र खुले रहे तब देखा वही धाम सोचो आप इनको वैकुंठ धाम देखने के लिए भगवान ने दिव्य नेत्र दिए और ये तो वृंदावन धाम है प्रेम धाम यहां रज रानी वृंदा सखी कृपा करें तभी वृंदावन झलके नहीं तो वृंदावन में रहते हुए भी कई पत्थर देख रहे है कहा वृंदावन दिखाई दे रहा कहाँ प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे फिर देखा कि वैकुंठ धाम में मरकत मणि के समान स्वच्छ श्यामल शरीर कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां, चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम में प्रसन्नता फूट पड़ रही है धनुष के समान टेढ़ी भौहे बड़ा ही सुंदर मुख सिर पर महामणि में किरीट भुजाओं में बाजूबंद कानों में झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपूल और भी सुंदर दमक रहे हैं मुख कमल खिला हुआ कमर में करधनी की लड़िया हाथों में कंगन गले में हार और चरणों में नूपुर शोभायमान थे वक्षा स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह गले में कौस्तुभ मणि बनमाला ये धारण किए हुए थे भगवान के निज पार्षद सुदर्शन चक्र आदि ये मूर्तिमान होकर सेवा कर रहे थे सभी देवता पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया।, किया फिर भगवान शंकर और ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले हे प्रभु जन्म स्थिति और प्रलय ये आपसे ही होते हैं पर आप इनसे संबंध नहीं रखते जो प्राकृत गुणों से रहित मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं जिनका स्वरूप अनंत है ऐसे ईश्वरशाली प्रभु हम लोग बार बार आपको नमस्कार करते हैं हे पुरुषोत्तम अपना कल्याण चाहने वाले साधक को वेदोक्त एवं पांच रात्रोक्त विधि से आपके स्वरूप की उपासना करनी चाहिए प्रभु विश्वमय स्वरूप में आप व्याप्त हैं पर आपकी कृपा के बिना कोई नहीं देख सकता जैसे हम बैकुंठ में पहुंच गए पर आपकी कृपा के बिना ना बैकुंठ देख और ना आपको परम स्वतंत्र आदि मध्य रहित और आदि मध्य अंत युक्त इस माया से इस संसार की रचना करते हैं इसलिए विवेकी पुरुष शास्त्र ज्ञान और सावधानी पूर्वक मन को एकाग्र करके इस संसार की भीड़ में आपको ढूंढ लेते हैं आपको ढूंढ लेते हैं आपके स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं जैसे मनुष्य युक्ति द्वारा लकड़ी से आग प्रकट कर लेता है युक्ति द्वारा गौ से दूध और दूध से घी युक्ति द्वारा पृथ्वी से अन्न और जल युक्ति द्वारा आजीविका युक्ति द्वारा वैसे ही भक्ति योग ज्ञान योग के द्वारा युक्तियों से आपको इसी संसार में प्राप्त कर लिया जाता है यही है आप जैसे दूध में घी है पर युक्ति के द्वारा दूध उबालो दही जमाओ दही मंथन करो मक्खन निकालो फिर घी निकल आएगा ऐसे ही भगवान है समस्त संसार में साधना करो खूब नाम जप करो संत महापुरुषों का संग करो उनकी कृपा प्रसाद से बुद्धि शुद्ध होगी यही सब में देखो स्वामी तुलसीदास जी को दर्शन हो रहा सी राम मैं सब जग जानी गोपीजनों को दर्शन हो रहा जित देखू तित मई जिस प्रकार जंगल में लगी हुई आग से झुलकता हुआ हाथी भागे और गंगा की धारा में आकर शांति का अनुभव करे ऐसे ही इस संसार के भोगों से जला हुआ जीव जब आपकी लीला कथा में आकर के बड़ा आनंद जैसे जंगल में लगी हुई आग के दावा नल से झुलसा हुआ हाथी गंगा की धारा में आके खड़ा हो जाए एकदम शीतल ऐसे संसार के भोगों से जला हुआ जीव जब भगवान की कथा में बैठता है तो बड़ी शीतलता मिलती है इंद्रियों को बड़ा सुख मिलता है अगर वो साधक है तो चैतन्य होकर भगवान के चिंतन में डूबेगा अगर विषयी है तो सो जाएगा उसकी इंद्रियां तमोगुण में लीन हो जाएंगी प्रभु हम आपके चरणों की शरण में हैं मैं ब्रह्मा भगवान शंकर अन्य देवता ऋषि दक्ष प्रजापति ये आप ज्वाला की चिंगारी हैं प्रभु आप आदेश दीजिए कि इस समय जगत का मंगल कैसे होगा ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब इस प्रकार भगवान से विनय की तो भगवान समस्त देवता और जगत का मंगल करने के लिए बोले ब्रह्मा महादेव और देवताओं तुम लोग सावधान होकर सुनो तुम्हारे कल्याण का उपाय जो हमने निश्चित किया है इस समय असुरों पर काल की कृपा है इसलिए तुम विजय नहीं प्राप्त कर सकते काल असुरों के अधीन है अब राजनीति कहती है प्रीति नीति अलग होती है राजनीति अलग होती है राजनीति कहती है कि तुम असुरों के पास जाओ और हाथ जोड़ो और उनसे दोस्ती करो संधि करो ये राजनीति कहती है क्योंकि इस समय उनका बल बढ़ा हुआ वो गुरु को शुक्राचार्य जी को रिझा चुके हैं और गुरु प्रसन्न काल उनके पक्ष में उन पर युद्ध करके विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता जाओ हाथ जोड़ो उनके सामने झुक कर जाओ और उनसे संधि करो ये नीति कहती है प्रीति में अलग होता है नीति में अलग होता है जब विभीषण जी आए तो भगवान ने राजनीति की रक्षा करने के लिए सुग्रीव से पूछा कि क्या किया जाए ये विभीषण आया है उन्होंने कहा प्रभु उत्तम बात तो यह है कि तत्काल इसको बांध लिया जाए क्योंकि ये रावण का भाई है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भेद लेन पठवा दस सीसा राखी बांध इसको बांध दिया जाए ये भेद लेने आया है तो भगवान ने जो कहा सखा नीति तुम नीति बिचारी नीति तो बढ़िया कहे लेकिन प्रीति रीति के खिलाफ है मम ममपन शरणागत ये मेरी शरण में आया है तो अगर ये तुम्हारी नीति के अनुसार बढ़िया कहे तुमने नीति अगर ये नीति मान भी ली जाए कि यह हमारे बल का रहस्य जानने आया है तो यह क्या जान पाएगा जगमऊ सखा निशाचर जीते लक्ष्मण हरे निमिशम थे केवल लंका में नहीं पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने निशाचर पलक झपकते लक्ष्मण जी मार देंगे यह क्या जान पाएगा हमारे बल को और जो सभी तावा सरनाई तो रखियो ताय प्राण किनाये जाओ उभय भात ते लाओ उभय भांति दोनों तरह अगर ये भेद लेने आया तो भी सम्मान से लाओ और शरणागत आया तो रखियो ताई प्राण ताए उभय भांति आरोप हसी कृपा प्रीति और नीति में बड़ा भगवान कह रहे इस समय नीति कहती है कि दैत्यों के सामने जाओ और झुको जब शत्रु का समय बढ़ा हो, तो उचित यही कि झुक के चलो चुपचाप ये नीति कहती है बोले हम झुकेंगे नहीं तो टूट जाओगे बोले जाओ, जाओ हाथ जोड़ो उनके आगे झुको संधि करो फिर आगे जब अपना कार्य बनाना हो नीति कहती है नीति कहती है अपना कार्य बनाना हो तो शत्रु से भी हाथ जोड़ के झुक के मिलाप करके काम करना चाहिए और जब काम निकल जाए तो फिर चूहे और सांप वाला बर्ताव करना चाहिए किसी मदारी की पिटारी में सांप तो पहले से था थोड़ी सी जगह थी उसमें से उस चूहा काट उसके तो दांत काट के अंदर हो गया अब चूहा अंदर गया तो सांप बड़ा वो भयभीत हुआ सांप ने उससे कहा कि देखो तुम हमारे घर में आए हो थी हो चिंता मत करो थोड़ा छेद बड़ा कर दो हम दोनों बाहर निकल जाएंगे हमारा तुम्हारा कोई झंझट नहीं बिल्कुल तुम ये मत सोचो कि तुम्हें खाएंगे देखो तुम्हारे पास हम तुम्हें खा थोड़ी रहे चूहे के बड़े प्रवीण दांत, बड़ा गोला काटा और जो ही काटा कि चूहा निकल जाएगा इतना काटो चूहा काट के जो ये निकलने लगा पीछे से सांप पकड़ लिया और धीरे से निकला और पहले चूहे को लील गया फिर निकल गया तो भगवान कह रहे हैं ये नीति है ये साधुता की प्रीति की बात नहीं है भाई नीति और प्रीति में अंतर है बोले देवताओं इस समय नीति कहती है कि दैत्यों के हाथ जोड़ो जरूरत पड़े तो पैर छू लो मित्रता करो और जब अपना काम बन जाए तो सांप चूहे वाला बर्ताव कर ले ये अपने लोगों के लिए नई शिक्षा है इसे कपट कहते भगवान शिक्षा दे रहे हैं ये इस समय नीति का प्रयोग कर रहे राजनीति का प्रयोग कर रहे जैसे महाभारत में कूटनीति का प्रयोग है बड़ी विचित्र कोट के जाल हैं ये प्रीति है इसमें सीधा है इसमें छुपाव छल कपट नहीं है देखो जब दैत्यों से तुम मित्रता करोगे और समुद्र मंथन किया जाए मिल करके और उससे अमृत निकले तो अमृत पीकर तुम देवता मर हो जाओगे फिर मार डालना दैत्यों को तो प्रभु क्या करना होगा अमृत मंथन के लिए बोले क्षीर सागर में पहले लताएं औषधियां ये हम सब बताएंगे वो वो लताएं वो औषधियां सब डालो मंदराचल की मथानी वासुकी नाग की रस्सी और मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो चलो आलस्य प्रमाद का त्याग करो देवताओं विश्वास रखो जिसके पक्ष में मैं होता हूं फल उसे मिलता है और जो मेरे से विमुख होता है उसे श्रम क्लेश यही हाथ लगता है असुल लोग जो जो शर्त चाहे वो वो शर्त स्वीकार कर लेना शांत रहना क्रोध मत करना हाथ जोड़ना झुक के रहना भगवान ने दे। काम बनाना हो तो शत्रु के सामने ऐसे झुक के रहो भगवान ने आदेश किया देखो सबसे पहले समुद्र मंथन में कालकूट विष निकलेगा तुम घबराना नहीं समुद्र में और भी वस्तुएं निकलेंगी लोभ मत करना मैं जिसको इशारा करूं वही लेगा और वो वस्तु ना मिले तो क्रोध मत करना झगड़ा बीच में मत शुरू कर देना नहीं मारे जाओगे जब तक अमृत ना निकले भगवान ने पक्का देवताओं को किया अब देवाधिदेव भगवान श्री हरि का आदेश और उसी समय बैकुंठ और बैकुंठ नाथ सवंतर ध्यान हो गए फिर दृष्टि में नहीं आए ये बात समझो भगवान का ये दिव्य धाम है वृंदावन धाम ये महापुरुषों के सामने प्रगट हुआ है अगर हम उसी पद्धति से चलेंगे तो हमारे को भी प्राप्त होगा और नहीं प्रगट वृंदावन पकड़े रहो ये पहुंचा देगा दिव्य वृंदावन प्रगट वृंदावन को पकड़े रहो ये दिव्य वृंदावन में पहुंचा देगा उसी समय अंतर ध्यान हो गए सब जो थे उसी दिशा को प्रणाम किया जिधर श्री भगवान वैकुंठनाथ कौन उनकी लीला को समझ सके ब्रह्मा आज बार बार उधर नमस्कार किए और अपने लोगों को चले गए अब देवताओं के साथ देवराज इंद्र बिना अस्त्र शस्त्र के बलि जी की सभा में जब देखा दैत्य सेनापतियों ने कि बिना अस्त्र शस्त्र के हाथ जोड़े आ रहे हैं तो एकदम सब खड़े हो गए और बंदी बनाने के लिए लेकिन दैत्यराज बलि सबको रोक दिए कि पहले देख रहे हो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हाथ जोड़े नम्रता से तो बंधन में डालने की आवश्यकता क्या बात करते हैं उन्होंने दैत्यों को रोक दिया देवता इंद्र के साथ बलि के समीप पहुंचे तीनों लोगों के स्वामी बलि असुर सेनापतियों से सुरक्षित सिंहासन पर बैठे थे नीचे खड़े होकर देवराज इंद्र यद्यपि बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि ये भी त्रिभुवन पति छीन लिया उनका सिंहासन पर भगवान ने सिखाया था कि मीठे मीठे बचन हाथ जोड़ के देवराज इंद्र बड़ी मधुर वाणी से बोले कि हम दोनों मिल जाते हैं और मिल करके समुद्र मंथन करते हैं उसमें बड़ी बड़ी दिव्य वस्तुएं निकलेंगी और अमृत निकलेगा अमृत बांट कर पी लेंगे तो अरिष्ट ने संबलासुर ये बड़े बड़े जो राक्षस थे उन्होंने बलि जी की तरफ देखा इशारे में कहा कि अमृत निकलेगा बूंद देवताओं को नहीं देंगे हम सब पी लेंगे हां बोल दो और भगवान उधर बोल बोल चुके थे कि बूंद उधर ले मिलेगा सब तुम्हें पिला देंगे जाओ तुम हाथ जोड़ो तो जिधर भगवान उधर विजय देवता और असुरों ने आपस में संधि के दस्तखत कर लिए समझौता हो गया मित्रता हो गई अब सब मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन के लिए उद्योग करने लगे भगवान ने जो जो औषधियां लता बताई थी वो उखाड़ उखाड़ कर समुद्र में डाली गई अब देवता और दैत्य मथानी मंदराचल मंदराचल पहाड़ सब उखाड़ करके पहाड़ को चलने की कोशिश किए फिसल गया पहाड़ पहाड़ तो पहाड़ ही है हजारों लाखों देवता दैत्य चटनी हो गए मंद्राचल पर्वत सबके उत्साह भंग हो गए कि अब तो समुद्र मंथन नहीं हो पाएगा भगवान वहां प्रकट हुए अजित भगवान मंद्राचल पर्वत को ऐसे उठाया जो पिसे हुए देवता दैत्य थे अमृत दृष्टि से देखा उनको जीवित किया सबके हाथ पैर जो टूट गए थे वो भी सब पुनः सही हो गए भगवान ने कहा सब उत्साह पूर्वक अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ चलो इंद्रादि देवता भी सब हार गए थे भगवान ने उन सब को भी शक्ति प्रदान की पूरा समुद्र मंथन भगवान से हो रहा है स्वर्ण का था मंद्राचल पर्वत जिन असुरों के देवताओं के कमर टूट गए कंधे टूट गए जांग टूट गई मन टूट गया भगवान ने ऐसे उठाया मंदरा चल गरुड़ पे रखा और सबको पुष्ट किया बोले चलो वही समुद्र के समीप तुम्हें नहीं ले चलना पड़ेगा देखते देखते खेल खेल में भगवान ने मंदरा चल को समुद्र पे उतार दिया अब नागराज वासुकी को कहा देखो समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा तुमको भी पिलाएंगे तुम रस्सी बन जाओ लिपट वासुकी ये नागराज है भगवान शेष जी के भाई हैं, और महान बलशाली हैं। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई अब मंदराचल चल की मथानी और समुद्र मंथन के लिए उद्यत हुए भगवान ने इशारा किया देवताओं को मुख की तरफ लगो मुख की तरफ देवता मुख की तरफ लग गए अब ने कहा ये तो बेज्जती हमारी सांप के पूछ का निकृष्ट भाग होता है हम पीछे थोड़ी लगेंगे हम कोई नीची नीचे है छोड़ दिया समुद्र मंथन नहीं होगा भगवान ने देवताओं से कर लगो विवेक का प्रयोग किया भगवान ने यहां विवेक का सांप के मुंह से जे भी रगड़न होगी तो विष निकलेगा तो सब जुलसेंगे तो भगवान ने पहले देवताओं तो उन्होंने समझा मुख श्रेष्ठ होता है इसीलिए देवता लगे बोले समुद्र मंथन नहीं होगा या तो हम मुख की तरफ लगे भगवान ने कहा लगो लगो मुख की तरफ लगो देवताओं से कहा जाओ पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ देवता पूछ पकड़ लिए दैत्यों ने कहा देखो ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है सबसे बड़े वीर हम हैं इसलिए श्रेष्ठ भाग हमारा भगवान ने कह दिया था जो कहे वही मानते जाना देवता चुपचाप खड़े हो गए पूछ की तरफ बड़े प्रसन्न हुए देवता कि बच गए अभी मंथन शुरू हो गया तो इनके फणों से विष निकलेगा अब अमृत प्राप्ति के लिए पूर्ण मंथन शुरू हुआ आगे जो जो हुआ सुशेष चर्चा आगे सुने श्री आधा की जय